हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रोनॉमिक्स एंड दिस इज संदीप कोचर। खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश रहा करते हैं, ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं। बहुत जरूरी है, हैप्पीनेस इज द की जो हम लोग भूलते चले जा रहे हैं, बिकॉज हर इंसान अपनी उधेड़ बुन में फंसा हुआ है। बिकॉज जो हमारे नीड्स है वो फुलफिल हो चुके हैं और जो हमारी लग्जरी थी वो अब नीड बन चुकी हैं। तो चीजें जो हैं वो बदलती चली जा रही हैं, वक्त के हिसाब से हालात बदलते जा रहे हैं। तो यहां पे क्या है कि वक्त के साथ जब हालात बदल जाते हैं तो कभी लोग तो कभी जज्बात बदल जाते हैं, तो वही होता चला जा रहा है। तो यू हैव नो फ्रेंड्स, यू हैव नो रिलेटिव्स एंड यू फील सम टाइम ऑल अलोन, क्योंकि ये जिंदगी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ अवर ओन अप्रोच। क्योंकि पहले हम लोग हैप्पी गो लकी रहते थे, अब तो बहुत ही लकी कम ही लोग ऐसे रह गए हैं जो हैप्पी रहते हों। तो दैट मीन्स खुश नसीब वही हैं जो हैप्पी हैं। तो हैप्पी रहा कैसे जाए, क्योंकि हम चाहते कुछ और हैं, होता कुछ और है। शादी किसी और से करना चाहते थे, वो चाहता किसी और को था, फिर वही हो गया। तो फिर ऐसा सिलसिला ऐसा चलता क्यों है और कब तक चलेगा आखिरकार? देखिए, जिस दिन आप पैदा होते हैं आपके हाथ में होता है एक हॉरोस्कोप, और या हमारी हाथों की लकीरें जो हमारी तकदीरों को बताती हैं, तो वहीं से हमारी जिंदगी जो है वो डिफाइन हो जाती है। ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ इज ऑल फिक्स, इज ऑल डेस्टिन्ड। तो ऐसे में क्या करें, सो जाएं? नहीं, ऐसे में अपने आप को पहचाने, अपने आप को समझिए और सोचिए कि ये वक्त कैसा चल रहा है। कई बार कहा जाता है कि नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन, बिकॉज दिस इज नॉट ए गुड टाइम टू टेक एनी रिस्क, एनी लोन और एनी इन्वेस्टमेंट विच में गो और बैकफायर, एक्चुअली में गो अगेंस्ट यू, ये कहना चाह रहा था। तो ऐसे में इंसान को प्लान करना चाहिए इन द राइट मैनर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लेट गो करना बहुत जरूरी है, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, और जिंदगी में कभी कभी हालात के मुताबिक अपने आप को ढालना भी जरूरी है। क्योंकि जो चाहते हैं हम वो जरूरी नहीं कि हो ही जाए, और अगर हो ही रहा है तो जरूरी तो नहीं वो हमारे लिए अच्छा हो। तो ऐसे में गो विद द फ्लो इज द राइट आइडिया, एडजस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, इससे बड़ा मंत्र बना ही नहीं है। तो अगर ये चीजें आपने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर ली, देन बिलीव मी इट विल हेल्प यू टू लीड ए बेटर एंड ए हैप्पी लाइफ विच इज नॉट देयर। तो मुस्कुराने की आदत तो जिंदगी में इंसान को डालनी ही चाहिए। तो ऐसे में ट्राई टू जस्ट गो विद द फ्लो, थिंक बिग। मैं भी सोचता हूं, क्या मैं भी यही समझता हूं कि इंसान को सपने देखने चाहिए, बट एट द सेम टाइम वो सपने का सही वक्त होना चाहिए। रात को सपने देखने चाहिए ना कि दिन को, वो भी बहुत जरूरी है। दैट मीन यू नीड टू इंप्लीमेंट योर प्लानिंग, वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट अलॉन्ग विद द स्पिरिचुअलिटी, अलॉन्ग विद द राइट ईयर्स पाथ। क्योंकि सारे गलत रास्ते तो आपने पकड़े हुए हैं, तो फिर वो रास्ता मंदिर तक कहां ले जाएगा आपको? एक ना एक दिन तो यू टर्न लेकर आपको वापस आना ही होगा। तो ऐसे में इफ यू कैन चेंज योर एनवायरमेंट, इफ यू कैन चेंज योर ट्रैक, एंड इफ यू कैन टेक द इनपुट ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू लीड द पाथ विच इज गुड फॉर यू, दैट विल गिव यू द हैप्पीनेस विच मनी कैन नॉट बाय। तो ये तो बात हुई हमारे जिंदगी को जीने के उस तरीके की या उस जज्बे की। अब हम शुरू करते हैं अपने राशि के सिलसिले को और देखते हैं कि आने वाला वीक हर राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है और उनको किन चीजों से बच के रहने की जरूरत है। एरीज की शुरुआत हो रही है एक बेहतरीन नए महीने के साथ, नई सोच, नया अप्रोच, और फाइनेंशियल ईयर का आखिरी महीना, और वो कह रहा है कि प्लान कर रही है अपनी जिंदगी को डिफरेंट तरीके के साथ। रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी चाहिए। तो यहां पे क्या है कि अब जो नया बजट बनेगा उसमें आप हॉलीडेज के लिए थोड़ा सा बजट जरूर बनाएगा, बिकॉज दैट इज द की टू हैप्पीनेस अलॉन्ग विद योर फैमिली ऑब्वियसली। एट द सेम टाइम देयर कुड बी सम गेन्स कमिंग योर वे। जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, हो सकता है कि उनको एक बिग ब्रेक मिल जाए, सो दैट कुड बी ए गुड ब्रेक। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि गेन्स मिल सकता है थ्रू माइनिंग, थ्रू गोल्ड एंड सिल्वर, इवन पावर सेक्टर कैन बी ए गुड ऑप्शन।